कर रहे हैं कि एक कल्चरल पॉलिसी जल्द उन्हें मिले, क्या इस पे कोई काम हो रहा है? हमारी दिक्कत यही है शर्मा जी कि जो मिलता है उसका धन्यवाद हम करते नहीं, अगली मांग पेश कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से कलाकारों का भी प्रोत्साहन होना चाहिए, यहाँ की जो विरासत है जम्मू कश्मीर की वो निश्चित रूप से कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है, हम जरूर इस पर विचार करेंगे। लेकिन पॉलिसी कोई एक दिन में नहीं बनती है, हमारे लोग उस पर काम कर रहे हैं और जब उचित समय आएगा तो इस बार चाय के साथ मिठाई खिला के आपको बताई जाएगी। देखिए आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि रिक्रूटमेंट में भी भारी कमी आई है और पिछले 2-2.5 महीनों में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से अद्भुत पराक्रम के साथ अपना अभियान आगे बढ़ाया है, बड़ी संख्या में फॉरेन टेररिस्ट भी मारे गए। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि एक पूरा इकोसिस्टम है, ये जो नए बच्चे कुछ लोगों के इशारे पर सामान्य आदमी की हत्या कर देते हैं या कहीं ग्रेनेड फेंक देते हैं, मैं समझता हूं उनसे कम अपराधी वो नहीं हैं जो इनके लिए लॉजिस्टिक्स प्रदान करते हैं, जो इनके दिमाग को गुमराह करते हैं। तो जहां आतंकवादियों पर काम हो रहा है, रिक्रूटमेंट कम करने पर कोशिश हो रही है, नौजवानों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिले, उस पर हम काम कर रहे हैं, वहीं इस पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने पर भी हम काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर और भारत सरकार का एक पैसा ऐसे कार्यों में लिप्त किसी व्यक्ति को न जाए, इसकी मुकम्मल व्यवस्था हम कर रहे हैं। काफ़ी हद तक सफलता हमें मिली है, अगर कहीं थोड़ी लीकेज है तो उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सफलता इसमें हमें मिलेगी। और जम्मू कश्मीर के लिए हमारा आदर्श क्या हो सकता है, सभी टेररिस्ट खत्म कर दिए जाएं, ये हमारा आदर्श नहीं है। हमारा आदर्श है कि जिस तरह हरियाणा और भुवनेश्वर में लोग सामान्य ढंग से रहते हैं, जिस दिन जम्मू कश्मीर में भी उस तरह से लोग रह सकेंगे, तो लक्ष्य हमारा बड़ा है। मैं समझता हूँ कि उस दिशा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं और भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी तो स्वयं आकर के भी उन्होंने समीक्षा की और हर महीने इस बात की समीक्षा करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि उस दिशा में अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हमारा लक्ष्य जरा बड़ा है, पहले के मानदंडों के हिसाब से देखेंगे तो ये बड़ा भारी चमत्कारी परिवर्तन आप कह सकते हैं। अब स्टोन पेल्टिंग इतिहास की बात हो गई, आए दिन जो दुकानदार बेचारे जबरदस्ती बंद करा दिया जाता था, अब लोग आते हैं मेरे पास फोन करते हैं कि साहब ऐसे सुंदर दिन तो हमने देखे ही नहीं थे, भय के कारण लोग बंद करते। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दिशा में प्रगति अच्छी है, हम लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे।